मित्रों पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका की यह नवा टेस्ट सीरीज है मित्रों, और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूथ कंपटीशन यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। यह नवा प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है। जैसे ही 25-25 क्वेश्चन करके मैं दे रहा हूँ, और जैसे ही एक प्रैक्टिस सेट पूरा फुल खत्म हो जा रहा है तो फुल प्रैक्टिस सेट का पूरा एक वीडियो बना दे रहा हूँ। तो फुल प्रैक्टिस सेट के नाम से भी वीडियो बना हुआ है। यूथ कंपटीशन टाइम्स फुल प्रैक्टिस सेट मुख्य सेविका, यह भी आप लोग देख सकते हैं। और यूथ कंपटीशन टाइम मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो दो प्रैक्टिस सेट तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया, 25-25 क्वेश्चन करके करा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि 8 सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई। यह नवा टेस्ट सीरीज है, नवा प्रैक्टिस सेट है, मतलब दो फुल प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया। यह नवा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या एक देखिएगा। भारतीय नर नारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? भारतीय नर नारियों के लिए कौन सा मूल्य सर्वोच्च है यह आपको बताना है। तो देखिए, इसमें भौतिक, मानसिक और धार्मिक सभी मूल्य सर्वोच्च हैं, तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न दो देखिएगा। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? तो आप जानते हैं विवाह विच्छेद होता है तो बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विकल्प सी। प्रश्न तीन देखिएगा। जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो यह विवाह कहलाता है, तो यह विवाह क्या कहलाता है? यह विवाह बहुपति विवाह कहलाता है, बहुपति विवाह। और जब एक पुरुष कई महिलाओं से विवाह करेगा तो बहुपत्नी विवाह कहलाएगा। लेकिन यहाँ जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं, तो विकल्प ए जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न चार देखिएगा। परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का छिड़ हो जाना ही पारिवारिक विघटन है, यह जो कथन है यह किस समाजशास्त्री ने कहा था? तो मीड महोदय ने कहा था। मीड महोदय का यह कथन था कि परिवार के प्रति निष्ठा और एकात्मकता का छिड़ हो जाना ही पारिवारिक विघटन है, यह मीड महोदय ने कहा था, जो बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। प्रश्न पाँच देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो सामूहिक निवास यह विशेषता है संयुक्त परिवार की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। देखिए ये कौन सी नहीं है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, जबकि सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर, यह है विशेषता। पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य यह भी है, क्या नहीं है? तो विकल्प बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रश्न छः देखिएगा। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है यह आपको बताना चाहिए कि दबाव क्यों डाला जाए यह आवश्यक नहीं है, तो विकल्प सी। प्रश्न सात देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आराही आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य क्या है यह आपको बताना है। तो इसमें देखिए, यह सभी आहारीय चिकित्सा के उद्देश्य माने जाएंगे। पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल सौम्य एवं सुपाच्य आहार प्रदान करना, बिल्कुल। रुग्णा अवस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, यह भी है। शरीर के प्रभावित अंगों का पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, यह भी है। मतलब इनमें से सभी आहारी चिकित्सा का उद्देश्य माने जाएंगे। प्रश्न आठ देखिएगा। शरीर के तापक्रम में 1 फारेनहाइट परिवर्तन से ऊर्जा ह्रास होती है, मतलब 1 फारेनहाइट अगर आपका शरीर तापमान बढ़ जाए तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास हो जाता है? तो 7%, विकल्प डी। इसलिए बुखार उखार होता है तो शरीर काम नहीं करता है, क्योंकि उस समय अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 7% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। प्रश्न देखिएगा। काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो काम करने वाली एक वयस्क स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2060 कैलोरी, मतलब विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न दस देखिएगा। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके स्तर की परिधि होगी, अगर किसी बच्चा है, कोई नवजात बच्चा जैसे मान लीजिए बच्चा है, तो उसके अगर शरीर में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि होगी छाती से छोटी होगी परिधि ये माना जाएगा। अगर यह परिधि जो है सर की परिधि छाती से छोटी होगी तो पौष्टिकता की कमी माना जाएगा, तो मतलब विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 11 देखिएगा। ट्राइडिजिल टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ट्राइडिजिल टेस्ट जो है किससे संबंधित है? तो भोजन का ज्ञानेंद्रीय मूल्यांकन से संबंधित है ट्राइडिजिल टेस्ट, विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 12 देखिएगा। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, बच्चे के शारीरिक विकास में क्या सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो निद्रा, व्यायाम, पोषण और स्वच्छता। तो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? पोषण कारक है,
विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 13 देखिएगा, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। जल एक यौगिक है जो निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनता है, तो जल जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है जल, तो विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 14 देखिएगा, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल होता है। जख्म भरने में कौन सा तत्व शामिल होता है ये आपको बताइए, तो जस्ता। जख्म भरने में कौन सा तत्व शामिल होता है, तो जस्ता शामिल होता है, विकल्प सी। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में शामिल नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में क्या शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय होती है, यह इसकी विशेषता में शामिल नहीं है, विकल्प डी। बल्कि सभी जो है विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, विशेषता है सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, यह भी विशेषता है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, यह भी विशेषता है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय होती है, यह सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, विकल्प डी। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है। अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में क्या शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, पश्चिमी मूल्य अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल हैं, आधुनिक शिक्षा भी, परिवार की संरचना में परिवर्तन भी, मानवीय मूल्य। तो क्या शामिल नहीं है, आप समझ ही रहे हैं कि यह जो पश्चिमी मूल्य है अंतरपीढ़ी के संघर्ष में कारणों में कौन शामिल नहीं है, तो पश्चिमी मूल्य की वजह से आपके अंतरपीढ़ी संघर्ष में जानते हैं, जैसे कि आपकी पिछली पीढ़ी और इस समय की जो पीढ़ी चल रही है उसमें अंतरपीढ़ी संघर्ष होता है ना पश्चिमी मूल्यों की वजह से, या आप कुछ पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो करते हैं, आपके बुजुर्ग नहीं फॉलो करते हैं, तो यह पश्चिमी मूल्य आधुनिक शिक्षा भी है, परिवार की संरचना में परिवर्तन भी, यह अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल होता है। लेकिन मालवीय मूल्य तो अच्छा होता है, यह संघर्ष में शामिल नहीं होता, विकल्प डी। प्रश्न 17 देखिएगा, परिहास संबंध है, तो परिहास मतलब होता है हंसी मजाक का संबंध, तो आप खुद बताइए हंसी मजाक का संबंध कहाँ हो सकता है। समाजशास्त्र में इसे कहा गया है जोकिंग रिलेशनशिप, परिहास संबंध। तो पिता व पुत्रों के मध्य होता है, बिल्कुल नहीं, माता व पुत्री में ये भी नहीं होता है। जीजा और साली के मध्य होता है परिहास संबंध, जीजा और साली के मध्य, देवर और भाभी के मध्य, ननद और भाभी के मध्य, यह परिहास संबंध होता है, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए थे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदुओं को विवाह विच्छेद का अधिकार मिला था, और इसमें यह भी निश्चित किया गया था। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद का अधिकार मिला था, मतलब तलाक का अधिकार मिला था, और यह भी निश्चित किया गया था, इसकी जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, इसकी धारा है 13। धारा 13 के तहत यह कहा गया कि अगर दोनों लोग सहमति हैं तो पारस्परिक दोष साबित किए जाने के बावजूद भी अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो विवाह विच्छेद हो सकता है। प्रश्न 19 देखिएगा, घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ। तो देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो था वह कब प्रभावी हुआ, तो 26 अक्टूबर 2006 को प्रभावी हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 को, मतलब विकल्प सी। अब यह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के नाम से है, लेकिन प्रभावी हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 20 देखिएगा, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानून विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो कब ऐसा हुआ कि हिंदू कोड बिल में कि लड़कियों की विवाह की जो आयु है वह 15 वर्ष निर्धारित किया गया था, तो 1956 में लड़कियों की उम्र, शादी की उम्र बढ़ाकर 15 वर्ष निर्धारित किया गया था 1956 में, विकल्प डी। प्रश्न 21 देखिएगा, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें, तो चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने, तो कौन सा ऑप्शन सही है। लिंगों के बीच सामाजिक और वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच सामाजिक और वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर MCQ कराए जाते हैं, और फेसबुक ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन करना, सभी लोगों को फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना, जितने भी लोग देख पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं फेसबुक नहीं चलाते, अरे चलाते हैं या नहीं चलाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें क्या करना है, कौन सी बड़ी चीज़ होती है, एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन सबके पास होता है, और एप्लीकेशन भी नहीं है तो क्रोम से चलता है, उसमें आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे फेसबुक ग्रुप पे आ जाएंगे। फेसबुक ग्रुप यूपी मुख्य शिक्षिका का फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। मैं क्यों ज्वाइन करने की बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे मटेरियल मिल जाते हैं, सारे जो यह जो भी आपका मटेरियल है सब कुछ मिल जाता है, बहुत सारे नोट्स मिलते हैं फेसबुक ग्रुप पर, और MCQ जो है टेलीग्राम पर कराए जाते हैं। प्रश्न 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसंख्या की खिड़की नहीं खुलती है। तो किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसंख्या की खिड़की नहीं खुलती है, तो श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। देखिए, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश जो है अवैध माना जाता है, और बाल श्रम अधिनियम 1986 में आया था। 1986 में बाल श्रम अधिनियम आया था।
प्रश्न 23 देखिएगा, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन माने जाते हैं? भारतीय समाज कार्य के जनक कौन माने जाते हैं? डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी को भारतीय समाज कार्य का जनक माना जाता है, तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 24 देखिएगा, महिलाओं बच्चों और शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? देखिए, महिलाओं बच्चों और शारीरिक रूप से जो भी भिन्न समूह हैं, आप समझ रहे हैं, शारीरिक रूप से जो भी अक्षम है, उन लोगों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी। 1953 में विकल्प जो है 1953 में इन लोगों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। प्रश्न 25 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारण है? मतलब कौन सा नारीवाद सिद्धांत इस बात को मानता है कि पितृतंत्र ही, मतलब पितृपक्ष या मतलब पितृतंत्र, जो लोग पितृत्व व्यवस्था को मानते हैं, पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का ही प्रमुख सार्वभौमिक कारण है, तो वह कौन सा सिद्धांत कहता है? तो प्रश्न 25 का विकल्प बी सही है, क्रांतिकारी नारीवाद यह मानता है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन मुख स्वीगा प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट नहीं हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। एक प्रैक्टिस सेट में इस पूरी बुक में कुल 15 प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है और आपके प्रश्न पत्र में भी 100 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से 1500 क्वेश्चन इसमें है पूरे, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आपका यूथ कंपटीशन की बुक है। तो मैं एक पार्ट में आपका 25 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ और जैसे ही आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो जा रहे हैं मैं फुल प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। तो फुल प्रैक्टिस सेट का भी प्लेलिस्ट शायद अगर नहीं बना होगा तो बना दूंगा, लेकिन आप लोग जाकर चेक करिएगा यूथ कंपटीशन मुक्सिका प्रैक्टिस के नाम से, तो आप उस सारे प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हैं सभी वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन की बुक का मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और यह प्रैक्टिस सेट संख्या 10 है मित्रों। दो फुल प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो चुका है और एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं और मैं 25-25 क्वेश्चन करके कंप्लीट करा रहा हूं। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख से का प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम फुल प्रैक्टिस सेट के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 10 है, कुल 25 प्रश्न हैं, आइए शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर MCQ होते रहते हैं। और फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, फेसबुक ग्रुप पर आपको बेहतरीन जो भी मटेरियल होते हैं वो फेसबुक ग्रुप पर मिलते हैं, तो फेसबुक ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मुख्य शिक्षा का फेसबुक ग्रुप बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 26 देखिएगा, समकालीन NSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है? तो NSO का जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1950 में हुई थी। ये सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करता है पूरे देश में और इसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता है धार्मिक समूह की जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं वह है ईसाई, तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृति कहा गया है? गरीबी की संस्कृति किसे कहा गया है ये आपको बताना है, तो ये है गंदी बस्तियाँ। गंदी बस्तियों को गरीबी की संस्कृति कहा गया है क्योंकि गंदी बस्तियाँ आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में, नगरों में ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो होते हैं वो गंदी बस्तियों में रहते हैं, तो वहाँ पर गरीबी की संस्कृति इसे ही कहा गया है, गंदी बस्तियों को, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? तो किस प्रकार की गरीबी यह दर्शाता है कि मूलभूत संसाधनों का अभाव है, तो संपूर्ण गरीबी में क्या होता है कि जो भी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो इसे ही संपूर्ण गरीबी कहते हैं। शारीरिक प्रकार के रखरखाव आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव दर्शाता है, तो संपूर्ण गरीबी, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है? भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, तो यह जरूर ध्यान रखिएगा। निरपेक्ष प्रतिमान के विषय में आपको एक टेस्ट सीरीज में बताया भी हूँ, मतलब इसी यूथ कंपटीशन की टेस्ट सीरीज में आपको सापेक्ष और निरपेक्ष प्रतिमान के बारे में बताया हूँ, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 30 देखिएगा, भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई? सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या में सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर पाई गई है 1961 से 71 के मध्य पाई गई है और यह कितना वृद्धि दर था? 24% के करीब वृद्धि दर था एक ही दशक में। प्रश्न 31 देखिएगा, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? विशेष विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था 1954 में पारित हुआ था। विशेष विवाह जो अधिनियम है यह 1954 में पारित हुआ था। विशेष विवाह अधिनियम क्या है? विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित हुआ था। इसके अनुसार कि भारत के लोग और विदेशों में सभी भारतीय नागरिक जब चाहें विवाह कर सकते हैं और किसी भी धर्म में, किसी भी विश्वास में, हाँ,
इस अनुसार यह था विशेष विवाह अधिनियम 1954। प्रश्न 32 देखिएगा, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय में जो पहली जनगणना होती 1972 में होती, 1872 में होती लॉर्ड मेयो के काल में, 1872 में होती लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद नियमित जनगणना आपका 1881 से रिपन काल से 1881 1891 1901 1911 इस तरह से होती रही हर 10 साल पहले। पहली जनगणना 1872 में हुई लॉर्ड मेयो के काल में। प्रश्न 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबंधित है? विवाह के निषेध से संबंधित को क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो है बहिर्विवाह संबंधित है, अंतर्विवाह भी आप कर सकते हैं, निकटा भी कर सकते हैं, लेकिन जो निषेध है बहुविवाह का निषेध है विकल्प डी भारतीय नियम के अनुसार। तो 33 का जो डी है वो आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा, मिताक्षरा और दाय भाग क्या है? मिताक्षरा और दाय भाग एक प्रकार की मतलब कि उत्तराधिकार से संबंधित यह मामला है, तो क्या है तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें 34 का सी जो है ऑप्शन वह सही है। तो देखिए हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय भाग को विनियमित करने वाले दो संप्रदाय हैं, मिताक्षरा और ज्ञान भाग दाय भाग। मिताक्षरा जो नियम है इसमें यह माना जाता है कि पिता की संपत्ति उसके जीवित रहते ही पुत्रों में मिल सकती है। दाय भाग यह है कि जब तक पिता जीवित है तब तक उसकी पुत्र संपत्ति का बंटवारा अपने उसके पुत्र नहीं कर सकते हैं। तो मिताक्षरा जो है वह संपूर्ण भारत में इस नियम का प्रचलन होता है, लेकिन दाय भाग जो है असम और बंगाल आदि में दाय भाग का प्रचलन होता है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 35 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आप मिला लीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें देखिए चेतन और अचेतन नियंत्रण जो है कूले और बर्नार्ड का है, चेतन और अचेतन नियंत्रण जो है कूले और बर्नार्ड का है। फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण जो है कार्ल मैनहिम का है। फिर आपका सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण जो है वो किम्बाल यंग का है। फिर संगठित और असंगठित नियंत्रण जो है जॉर्ज गुरविच का है। तो इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं। प्रश्न 36 देखिएगा, पति और पत्नी, पति पत्नी की परिधि और उसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों को बनने वाले परिवार को क्या कहा जाते हैं? तो पति पत्नी की परिधि और उसके केंद्र में बनने वाले जो परिवार होते हैं उसे रक्त मूलक परिवार कहते हैं। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 37 देखिएगा, महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है, तो मानित नातेदारी है। देखिए जैसे मान लीजिए हम अपने जो हमारे चाचा होते हैं उनको चाचा कहते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी होता है कि हम लोग सड़क पर किसी भी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए चाचा कर देते हैं, तो वह जब तो उसी तरह से बापू जो शब्द है वह मानित नातेदारी है, मतलब मानद नातेदारी। विकल्प ए जो है आपकी सही है। प्रश्न 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में किया है? तो निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के नातेदारी यंत्रकारी के रूप में किया है किसने किया है? तो इस्माइल दुर्खिम ने किया है, इस्माइल दुर्खिम ने। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 39 देखिएगा, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत कि परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है क्या इंगित करता है? तो यह संपूर्ण संरचना में परिवर्तन इंगित करता है, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन इंगित करता है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 40 देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांतकार का विचार जो है दबाव सिद्धांत पर आधारित है ये आपको बताना है। तो राल्फ डारेनडॉर्फ इनका विचार जो है सामाजिक दबाव सिद्धांत आधारित है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 41 देखिएगा, किसने जात गतिशीलता गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया? तो किसने ऐसा किया था? तो वाई वी दामले ने। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 42 देखिएगा, चावल के पानी की तरह के सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? तो ये आपके हैजा का लक्षण है। देख लीजिए यह जो ऐसा यह जो लक्षण है यह हैजा का संकेत होता है, और हैजा क्या होता है? प्रदूषित जल का प्रयोग करने से, प्रदूषित भोजन के प्रयोग करने से और मक्खियों के प्रभाव से भी हैजा फैलता है, मक्खियों के प्रभाव से भी हैजा फैलता है। तो मक्खियों में एक प्रकार का एक जीवाणु होता है विब्रियो नाम की एक जीवाणु होती है मक्खियों में, और वह अगर प्रवेश कर देती है मनुष्य के अंदर तो वह उसे हैजा होता है। हैजा और कालरा एक ही चीज़ है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 43 देखिए, गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग उदाहरण है, तो यह क्या उदाहरण है ये आपको बताना है। तो इसमें 43 का जो सी ऑप्शन है सही है, यह वायु संचरण है। देखिए गलसुआ चेचक फेफड़े का जो क्षय रोग मतलब टीबी होता है, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं, और विषाणु जो होता है वायु संचरण मतलब किसी व्यक्ति के अंदर इस तरह के रोग हैं तो वह जब खांसता है या कुछ भी जैसे मुंह से कुछ भी निकलते हैं उसके तो वह हवा में मिश्रित होकर सामने वाले व्यक्ति को पड़ जाते हैं, तो यह वायु संचरण का उदाहरण है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 44 देखिएगा, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, और उसके बाद ए डी ई के जो होते हैं वह
वसा में घुलनशील होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं बी और सी। तो कौन घुलनशील है जल में, तो विटामिन B1, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 45 देखिएगा, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं है, वायुजनित संक्रमण, तो वही वायुजनित संक्रमण क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए प्रश्न 45 का इसमें डी सही है, यह आपका वायु संचरण का कारण नहीं है, जबकि तपेदिक, टीबी, चेचक, खसरा या वायु संचरण का कारण है। यह हेपेटाइटिस बी जो है यह जीवाणु जनित रोग है, तो इसलिए यह वायु संचरण का कारण नहीं है, विकल्प डी। प्रश्न 46 देखिएगा, दाद किस प्रकार की बीमारी है, दाद जो है किस प्रकार की बीमारी है, तो यह कवकीय बीमारी है, कवक से होता है दाद, रिंगवर्म, तो विकल्प बी जो है आपका सही है, जीवाणु विषाणु नहीं, कवकीय बीमारी है, कवक से होता है, फंगस से होता है। प्रश्न 47 देखिएगा, एंथ्रेक्स एक प्रकार के कारक हैं, तो एंथ्रेक्स किस प्रकार के कारक हैं ये आपको बताना है, तो इसमें सही है जीवाणु के कारक हैं एंथ्रेक्स जो होता है जीवाणु से ही होता है, तो विकल्प बी जो है यह आपका सही है। यह मनुष्यों और पशुओं दोनों में पाया जाने वाला एक रोग होता है, हाँ, और यह आपका कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है, विकल्प बी। प्रश्न 48 देखा, महिलाओं में यौवन के विकास का प्रथम प्रमाण किस रूप में अभिव्यक्त होता है, तो स्तन अंकुर का प्रफुटित हो जाना यह इससे होता है, प्रश्न 48 का बी जो है आपका सही है। प्रश्न 49 देखिएगा, प्लेसेंटा का लगभग वजन कितना होता है, प्लेसेंटा का जो वजन होता है 1/6 होता है, शिशु के वजन का 1/6 होता है, तो विकल्प बी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 50 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, किस प्रकार के प्रसवों में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम होती है, तो किस प्रकार के प्रसवों में पहले और दूसरे चरण की अवधि संपूर्ण अवधि 2 घंटे से कम होती है, तो इसमें होगा अप्रत्याशित प्रसव, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम पे MCQ कराए जाते हैं, और PDF आपको व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन आप फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मटेरियल मिलते रहते हैं, तो फेसबुक ग्रुप आप सभी लोग को ज्वाइन करना है। धन्यवाद। तो PCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है, यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से यह आपका 11वां प्रैक्टिस सेट है। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन टाइम मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देखिए। प्रश्न 51 देखिएगा, एक उपकरण जो भ्रूण की ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह है, वो कौन सा उपकरण है, तो प्रश्न 51 का जो होगा सी, भ्रूण पल्स ऑक्सीमेंट्री, तो यह विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 52 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है उपयोग पार्टोग्राफ का, तो विकल्प बी डी जो है वो आपका सही है, विकल्प डी पार्टोग्राफ का। प्रश्न 53 देखिएगा, गर्भावस्था के पहले 8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो 8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है ये आपको बताना है, तो प्रश्न 53 का ये सही है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये आपका यह हार्मोन जिम्मेदार है 8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की जो क्रियाशीलता होती है उसके लिए यही हार्मोन जिम्मेदार है, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 54 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, निष्क्रिय टीकाकरण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है, तो मानव सेरा और पशु सेरा इसका प्रयोग किया जाता है, प्रश्न 54 का जो है ये जो है वो आपका सही है। प्रश्न 55 देखिएगा, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ या वयस्क बन सकता है यदि, तो भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो जाए, तभी व्यक्ति या स्वस्थ वयस्क बन सकता है, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 56 देखिएगा, जिन पियाजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास की सेंसरी मोटर अवस्था है, तो यह कौन सी अवस्था है ये आपको बताना है, तो प्रश्न 56 का ये सही है, 0 से 2 वर्ष के लिए, 0 से 2 वर्ष, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइए, प्रश्न संख्या 57 देखिएगा, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है, तो बालक की जो किशोरावस्था होती है वह मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 58 देखिएगा, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है, विकास की दर किस आयु में सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, तो उत्तर बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र होती है विकास की दर, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न उत्तर बाल्यावस्था किसे कहेंगे, देखिए 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, और इसी में विकास की दर सबसे ज़्यादा तीव्र होगी। प्रश्न 59 देखिएगा, विकास का अर्थ है कि व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह किस विद्वान ने कहा था,
यह किस समाजशास्त्री ने कहा था कि या किस समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक ने कहा था, तो इसमें हरलाक का कथन है, ये हरलाक का विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 60 देखिएगा, शैशव काल के दौरान आमतौर पर किन से डर का अनुभव किया जाता है, तो जो 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं, 0 से 2 साल के बच्चे, वो अजनबियों से बहुत डरते हैं, तो अजनबियों का डर विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 61 देखिएगा, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई 0.5 इंच से 2 इंच तक हो जाती है, तो वह अवस्था होती है भ्रूणावस्था, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 62 देखिएगा, एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है, तो वह है रेंगना, रेंगना विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 63 देखिएगा, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के हार्मोन को दर्शाती है, वृद्धि जो है वह गुणात्मक हार्मोन को दर्शाती है, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 64 देखिएगा, अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है, अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, एबीडिन, एबीडिन विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 65 देखिएगा, ताजे फल और सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं, तो क्यों सम्मिलित किए जाते हैं, तो शरीर निर्माणक आहार के रूप में, शरीर निर्माणक आहार के रूप में, तो विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 66 देखिएगा, चीनी को अपमिश्रित किया जाता है सफ़ेद पत्थर से, मतलब चीनी में सफ़ेद अपमिश्रित, मतलब कि चीनी में क्या मिलाया जा सकता है मिलावट के रूप में, तो सफ़ेद पत्थर आप लोग देखते हैं, हालांकि यह सही नहीं है लेकिन यह मिलाया जाता है, तो यह है यह टॉपिक, यह होम साइंस से संबंधित रिलेटेड यह टॉपिक है, सफ़ेद पत्थर विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 67 देखिएगा, चाय में पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन, आप जानते हैं चाय में जो पाया जाता है कैफीन पाया जाएगा, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 68 देखिएगा, काली चाय से हरी चाय बेहतर है, आप जानते हैं ग्रीन टी ज़्यादा बेहतर होता है, क्यों बेहतर होता है ग्रीन टी, तो यह बात आप जान लें कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 69 देखिएगा, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बू को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए, तो देखिए भंडार गृह में नमी होने से पूर्व डिब्बू को, जैसे उसमें फफूंदी पड़ जाते हैं, इसीलिए भंडार गृह में रखने से पूर्व डिब्बू में तेल में डुबोकर या देखिए तेल युक्त वस्त्र जो है उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए जिससे नमी जो है प्रवेश न कर सके, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 70 देखिएगा, GRA से तात्पर्य क्या है, GRA से तात्पर्य क्या है, तो विकल्प बी जो है आपका सही है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज एंड सेफ, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 71 देखिएगा, पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है, पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है, तो 71 का जो होगा बी होगा वह सही है, चावल दाल को बार बार सही तरीके से नहीं धोया जाता है, नहीं धोना चाहिए क्योंकि उससे बहुत सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं, बी जो है सही है आपका। प्रश्न 72 देखिएगा, डिब्बा बंद जैम और जेली पर चिन्ह लगाया जाता है, तो जैम और जेली पर कैसा चिन्ह लगाया जाता है, FPO का चिन्ह लगाया जाता है, FPO का, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। देखिए FPO जो होता है यह फ्रूट से संबंधित है, फ्रूट से संबंधित है, मतलब फ्रूट के जो उत्पाद होते हैं, जो फल के उत्पाद हैं उस पर, देखिए FPO जो होता है इस पर, जैसे फ्रूट से संबंधित जो भी प्रसंस्कृत उद्योग हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेब से, नाशपाती से, आम से, इमली से, अंगूर से, कोई भी अच्छा कोई भी चीज़ खाद्य उत्पाद बनाया जाता है तो उस पर FPO का चिन्ह होता है, FPO का चिन्ह होता है, और जब कृषि संबंधित कोई उत्पाद होता है, दाल चावल गेहूं गन्ना, तो उस पर एगमार्क का चिन्ह होता है, एगमार्क का चिन्ह होता है, तो वही है FPO पर, जैम और जेली पर चिन्ह लगाया जाता है FPO का, तो जैम और जेली क्या होता है, फल से ही निकलते हैं, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 73 देखिए, गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है, गर्भवती महिला के लिए कितने लौह तत्व की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है, तो प्रश्न 73 का बी सही है आपका, 35 मिलीग्राम पर डे, विकल्प बी जो है सही है आपका। प्रश्न 74 देखिएगा, नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो बच्चे को उत्तेजित करेगा, उसके लिए देखिए अगर शिशु को स्तनपान कराने से पहले अगर उसे सोया मिल्क पिलाया जाए तो बच्चा जो है चिड़चिड़ा हो जाएगा और उसे उत्तेजित करेगा, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 75 देखिएगा, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, यह बातें किसने कही थी, यह बात है किस वैज्ञानिक ने कही थी, मनोवैज्ञानिक ने कही थी, तो स्टर्न का यह कथन है, स्टर्न का यह कथन है, विकल्प सी जो है आपका सही है, नई परिस्थिति में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ऐसा स्टर्न महोदय ने कहा था, विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम पर MCQ करा देते हैं, और फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, UP मुख्य शिक्षा का फेसबुक ग्रुप बनाया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूथ कंपटीशन टाइम मुख्य शिक्षा प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग को मित्रों।
पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य फिजिका सेविका प्रैक्टिस सेट का यह 12वां सीरीज है और इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा। और आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 12 है मित्रों, और जैसे ही हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं मैं मुख्य सेविका का फुल प्रैक्टिस सेट ला देता हूँ। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 12 है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 76 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? पूर्व भाषा संचार का प्रकार क्या है ये आपको बताना है। तो पूर्व भाषा संचार का प्रकार जो है आपका रोना, कुइंग या बैबलिंग, यह सभी आपके पूर्व भाषा संचार के प्रकार हैं। मतलब बालक जो होता है वह सबसे पहले रोता भी है, कुइंग भी करता है और बबलिंग भी करता है। तो उपरोक्त सी, उपरोक्त डी, विकल्प डी जो है आपका सभी सही है। प्रश्न 77 देखिएगा। पढ़ने की अयोग्यता को क्या कहते हैं? पढ़ने की अयोग्यता को क्या कहते हैं? तो डिसलेक्सिया कहते हैं। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, डिसलेक्सिया कहते हैं। 77 का भी जो है सही आपका। प्रश्न 78 देखिएगा। एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? किस आयु में एक शिशु जो है सहारा लेकर बैठना प्रारंभ करता है? तो 6 से 7 माह में एक शिशु जो है सहारा लेकर बैठना प्रारंभ करता है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 79 देखिएगा। प्रश्न 79, रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए गए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिकृत किया जाता है, तो यह क्या सही है? तो उसमें अधिगृहित, यह जो है अधिगृहित जो है विकल्प डी, इसमें आपका यह सही है आपका। प्रश्न 80 देखिएगा। जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है, तो BCG का या DPT का, खसरा का या फिर MMR का। तो जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है ये आपको बता दूं, तो BCG का टीका जन्म के समय शिशु को लगाया जाता है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 81 देखिएगा। आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, यह किसका उदाहरण है? विस्थापन, प्रतिगमन, निरोध या प्रक्षेपण। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है ऑफिस में काम करता है तो बॉस उसको डांटता है, तो वहाँ अपने बॉस को तो कुछ नहीं बोल पाता नौकरी जाने के भय से, लेकिन जब वह घर पे आता है तो अपना गुस्सा अपने बीवी और बच्चों पर उतारता है। तो यह जो उदाहरण है वह विस्थापन का उदाहरण है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 82 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? विकल्प सी जो है स्व प्रबंधन, विकल्प सी जो है स्व प्रबंधन, विकल्प सी। प्रश्न 83 देखिएगा। बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्नलिखित का नतीजा हो सकता है? बच्चों में गीला करने की आदत जो है खराब स्वास्थ्य का, मनोभावात्मक असुरक्षा का, अपर्याप्त प्रतिरक्षा का, उपरोक्त सभी। तो विकल्प डी जो है उपयुक्त सभी। प्रश्न 84 देखिएगा। माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो वह कौन सी वसा होती है जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है? PHA, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 85 देखिएगा। WHO के अनुसार नवजात शिशु को स्नान करवाने के बारे में क्या सही है? नवजात शिशु को स्नान करवाया जाता है, तो इसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो जन्म, यहाँ पर जो विकल्प बी है वही आपका सही है, बाकी सब गलत है। जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए, ऐसा नहीं तुरंत कराना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि बहुत देर बाद कराना चाहिए। जन्म से मतलब ऐसी बात नहीं कि 2 दिन बाद कराइए, 3 दिन बाद, ऐसी बात नहीं, जन्म से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 86 देखिएगा। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के कितने सप्ताह बाद जन्म लेता है? तो डी 37 सप्ताह बाद जन्म लेता है, वह पूर्ण परिपक्व शिशु माना जाता है। विकल्प डी, मतलब शिशु का जो विकास है बहुत चरम अवस्था पर हो चुका रहता है, मतलब सारी विकास। आरोपण का सही अर्थ क्या है? आरोपण का सही अर्थ क्या है? प्रश्न 87 देखिएगा। आरोपण का सही अर्थ क्या है? तो इसमें निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित करना ही आरोपण का सही अर्थ है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 88 देखिएगा। गर्भावस्था के दौरान कौन सी हार्मोन GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है यह कम करता है। विकल्प बी एस्ट्रोजन हार्मोन, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 89 देखिएगा। मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों को पुरुषत्व में कमी आती है, तो वह कौन सा क्या होता है? मध्य जीवन में संक्रमण
मध्य जीवन संक्रमण, जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतान प्रति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आ जाती है, तो ऐसा होता है मीनोपोज में। मीनोपोज में तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 90 देखिएगा, निम्नलिखित में से विटामिन B1 किसका निरोधक है? तो विटामिन B1 जो है वह बेरी का निरोधक है, विटामिन B1। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 91 देखिएगा, प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है, तो फलों में जो शर्करा पाई जाती है वह फ्रुक्टोज के रूप में पाई जाती है, फ्रुक्टोज के रूप में, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है, फ्रुक्टोज के रूप में पाई जाती है। प्रश्न 92 देखिएगा, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्पन्न होते हैं क्योंकि इसमें होता है जंतु प्रोटीन स्रोत, जैसे मान लीजिए अंडे में क्या होता है प्रोटीन होता है, वनस्पति प्रोटीन मतलब दाल में भी क्या होता है प्रोटीन होता है, तो जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि इसमें होता है, तो क्या होता है इसमें उत्तम संतुलित एमिनो अम्ल होता है, उत्तम संतुलित एमिनो अम्ल होता है, इसलिए यह इस प्रोटीन की अपेक्षा इससे ज़्यादा उत्तम होता है, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। हालांकि देखिए सही मायने में वाला सही मायने में आपको बता दें, जैसे कहा कि जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन से उत्तम होता है, तो यह तो सही है, ठीक है, उत्तम संतुलित एमिनो अम्ल होता है, लेकिन देखिए दरअसल यह जो भी कुछ लिखी गई हैं, जो भी यह जानकारी है, यह सभी एलोपैथ के जो माने जाने वाले चिकित्सक हैं, एलोपैथ के जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने अपनी फिलासफी दी है इसमें, बस बाकी कुछ नहीं है। और जो शाकाहारी में भी जो वनस्पति प्रोटीन है वह काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अब आप एलोपैथ के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं तो आप इसे ही मानिए। हालांकि परंपरागत रूप से जो वेजिटेरियन है वह पूरी तरह से वनस्पति प्रोटीन ले सकते हैं और बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यह सब बातें एकदम पूरी तरह से, यह बस परीक्षा के नज़रिए से आप पढ़िए, हाँ ये परीक्षा के नज़रिए से पढ़ सकते हैं, इसे पूर्णतः सही मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि यह एलोपैथ के वैज्ञानिकों, एलोपैथ के चिकित्सकों, एलोपैथ की जो फिलासफी है उनकी विचारधारा है ये। प्रश्न 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से वसा कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? निम्नलिखित वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? तो 93 का डी और संतृप्त वसा जो है वह स्वस्थ वसा माना जाता है, विकल्प डी, 93 का डी सही है। प्रश्न 94 देखिए, निम्नलिखित साधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जन रीति है? सामाजिक नियंत्रण में जन रीति क्या है ये आपको बताना है, तो नमस्ते करना सामाजिक नियंत्रण में जन रीति है, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 95 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए धर्म, रीति रिवाज, जनमत जो है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल है, जबकि पुलिस जो है वह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल होता है, विकल्प डी। प्रश्न 96 देखिएगा, क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबद्ध है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत से संबद्ध है क्रियात्मकता की धारणा, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 97 देखिएगा, आर्बकल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व होते हैं? आर्बकल के अनुसार परामर्श के 3 तत्व माने जाते हैं, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 98 देखिएगा, परामर्श की तकनीकी है, परामर्श की जो तकनीकी है वह क्या है ये आपको बताना है, तो भावनात्मक तनाव जारी करना, प्रभावी संचार, स्पष्ट सोच, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी परामर्श की जो तकनीकी है यह सभी है, विकल्प डी। प्रश्न 99 देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना महामारी को कब वैश्विक महामारी घोषित किया गया? अभी कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा था, इसका प्रभाव अब बहुत ही कम हो चुका है, तो इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO द्वारा कोरोना महामारी को कब वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, तो 11 मार्च 2020 को, यह डेट आप जरूर याद रखना है, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 100 देखिएगा, यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूनिसेफ के जो कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हैं मरितिजा जॉन वालवर्डे, यही आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं यूनिसेफ के। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पे MCQ मिलते हैं और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी टेलीग्राम में मिलती है, और फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप पर भी आपको मटेरियल और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको फेसबुक ग्रुप पर भी मिलती है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख से का प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, पूरा 3 फुल मैं करा चुका हूँ फुल प्रैक्टिस सेट, मैं अभी इसका प्लेलिस्ट नहीं बनाया हूँ, लेकिन प्लेलिस्ट इसका भी बना दूंगा फुल प्रैक्टिस सेट का भी, यूथ कंपटीशन टाइम फुल मुक्सई का फुल प्रैक्टिस सेट के नाम से भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि आप प्लेलिस्ट में जाएं और सभी वीडियो को देख सकें। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मटेरियल मिलते हैं। धन्यवाद आप लोग को।